देवभूमि उत्तराखंड के राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कई बड़े नेताओं व मंत्रियों को उत्तराखंड में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड में वह भाजपा कांग्रेस में अलग होकर जनता के बीच तीसरी पार्टी के रूप में उभरते हुए एक विकल्प साबित हो सके। इसी क्रम में दिल्ली के मंगोलपुरी से विधायक व दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने देहरादून जिले के चर्चित विधानसभा राजपुर रोड पहुंचकर अपने प्रत्याशी डिंपल सिंह के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। चीजें हैं वो तमाम चीजें घोषणा पत्र में जो है रहेंगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी आम जन जन तक पहुँच कर पिछले 75 सालों में देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने वाले लोग भ्रष्टाचारी पार्टियों का दबदबा रहा है, और ख़ास कर हम इसके देवभूमि की बात करें तो बारी बारी भाजपा कांग्रेस ने मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, इस देवभूमि को लूटने का काम किया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं की असुरक्षा चरम सीमा पर है, और तमाम जो मुद्दे देशहित के होने चाहिए, जनहित के होने चाहिए, उत्तराखंड के वासियों के हित के होने चाहिए, वो सारे के सारे आपको आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, मिलेंगे। केजरीवाल ने जो घोषणा किया, क्या उन सभी पर विचार विमर्श किया जाए? विचार विमर्श नहीं, जो भी घोषणा होती है केजरीवाल की, सिर्फ घोषणा नहीं होती, केजरीवाल की गारंटी होती है। जिस प्रकार से हमने दिल्ली में पहला चुनाव लड़ा था, बिजली हाफ पानी माफ की बात कही थी, आज दिल्ली में बिजली का बिल जीरो और पानी का बिल जीरो आ रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य में ऐतिहासिक परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं, और लोगों को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में विश्व स्तरीय जो है अरविंद केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा की मॉडल पर चर्चा हो रही है। युवाओं के रोजगार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तमाम वो मुद्दे जो हमने चुनाव में उठाए थे, आज एक गारंटी के रूप में दिल्ली के लोग उसे ले रहे हैं, और वही गारंटी हम उत्तराखंड के लोगों को देने के लिए आए। मैडम, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां कितनी खत्म हो चुकी हैं अभी तक? बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जा झुग्गी वही मकान का वादा किया था, और ज्यादातर लोगों को हम मकान दे चुके हैं, और लोगों के पंजीकरण लगातार जारी है, और लोगों को लगातार सुविधाएं और उनका अधिकार दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।